शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना के रोक टोक आर्टिकल के जरिए महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा और कहा है देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है, एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बने हैं अनिल देशमुख। यह कहना है संजय राउत जो कि शिवसेना के हैं और सरकार में भी शामिल है। रोक टोक में लिखा है कि मुंबई पुलिस आयुक्त में कार्यालय में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी क्या? देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है। जयंत पाटिल, दिलीप वत्स्य पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया, तब शरद पवार ने देशमुख को गृह मंत्री का पद सौंपा। इस संदिग्ध एक गरिमा घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। पुलिस विभाग पहले से ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सलूट लेने के लिए नहीं होता, वह प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा? परमवीर सिंह ने जब आरोप लगाया तब गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ रही थी, परंतु महाराष्ट्र सरकार के बचाव में एक भी महत्वपूर्ण का मंत्री तुरंत सामने नहीं आया। एक वसूलीबाज पुलिस अधिकारी का बचाव प्रारंभ में विधानमंडल में किया गया, उसके बाद परमवीर के आरोपों का उत्तर देने कोई तैयार नहीं था। शिवसेना नेता संजय राउत ने जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर निशाना साधा है, इसे साफ जाहिर होता है कि तीनों पार्टियों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही है। और जिस तरह से संजय राउत ने आज रोक टोक आर्टिकल में एनसीपी पर सीधा टारगेट किया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर टारगेट किया है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। आज के सामना अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है, वे स्वीकार कर रहे हैं कि वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। उस मामले में उनके बचाव में कोई भी मंत्री सामने नहीं आया, यह कहकर वसूली सरकार के तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष वे स्वीकार करते हैं। साथ साथ में उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के ईमानदारी पर सवाल भी उठाए हैं। अब एक और गृह मंत्री के ईमानदारी पर सवाल उठाने वाली शिवसेना, स्वयं मुख्यमंत्री जी का अधिकार है उनका इस्तीफा लेने का, क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा? क्या देशमुख जी ने मुंह खोल दिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे? यह वसूली सरकार का डर है? कौन सा डर है? एक तरफ ईमानदारी पर आप ही सवाल उठाते हो और दूसरी ओर आप ही इस्तीफा नहीं लेते हो। इस प्रकार से गिरगिट की तरह आप रंग नहीं बदल सकते। महाराष्ट्र की सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि जो वसूली की जा रही थी कौन से दल की कितनी हिस्सेदारी थी। अब तो खेला यह शुरू हुआ है, हर दल दूसरे दल के माथे पर यह सारा थोपने जा रहा है। इस प्रकार से नहीं हो सकता, पूरी वसूली रैकेट में तीनों दल भी शामिल है, यह देश जानता है।